एसेंशियल पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि वेब डिजाइनर को क्योंकि सबसे पहले कस्टमर के साथ गेट टूगेदर करना, क्योंकि फर्स्ट लेवल एंट्री कस्टमर के साथ आपकी होती है। तो आपको यहाँ पे कुछ 13 में ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो आप थोड़ा सा क्लियरिफाई करिएगा। कस्टमर्स जब तक मन माफिक वेबसाइट ना बने तो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी करता रहता है। पहला आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन का प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है। और डिजाइन का प्रिंसिपल ये बोलता है कि कस्टमर जो बोले वही सही। कस्टमर जैसा डिमांड करता है अपने डिजाइनिंग की, वैसे आप क्या करें डिजाइन बनाए, ठीक है। उससे जबरदस्ती का कहीं पे वाद विवाद ना हो किसी चीज में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कलर छोड़ी पे आपको बहुत अच्छा कमांड हो जाए। कलर छोड़ी का मतलब किस कलर के साथ किसकी मैचिंग होगी, ये डिजाइनर को बहुत अच्छा पता होना चाहिए। क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दो कलर्स आपको लगभग हर बार क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो कलर थ्योरी पे विशेष कमांड हो, कलर मैचिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा जो भी वेबसाइट बनाए रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिव मतलब हर प्रकार के स्क्रीन में वेबसाइट बराबर खोलना चाहिए, चाहे छोटे से डिवाइस में, छोटे से मोबाइल में वेबसाइट खोले, चाहे एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर में वेबसाइट आपकी खोली, पूरे वेबसाइट आपका जो है रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सही होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए एक भी पॉइंट, ठीक है। चौथा आपको ध्यान रखना है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस मतलब यूजर को आपकी वेबसाइट को जब यूज कर रहा है तो उसको आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए, और वो दूसरों से भी बोले कि नहीं वेबसाइट की डिजाइन वाकई बहुत अच्छा है। तो यूजर के एक्सपीरियंस आपको ध्यान रखना बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें यूजर कभी अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस दे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है डिजाइनर्स के लिए। फिर तो यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब वो फॉर्म्स जो आपको यूजर्स के लिए बनाना है। इंटरफेस ध्यान रखिएगा एकदम आपको नॉर्मल बनाना है, कोई टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करना उसमें। आपको ज्यादातर ऐसे एलिमेंट्स जोड़ना जिससे एक आम आदमी भी वेबसाइट को आराम से चला सके। तो इंटरफेस में बहुत हाईली कुछ नहीं करना, बहुत नॉर्मल इंटरफेस आपको रखना होता है। सिक्स्थ ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज जरूर करें, जहां पर फोटो वीडियो इमेज जो कुछ आपको डालना है उनको आप जरूर डालें, और सूट करते हुए एलिमेंट्स को आप डालिएगा जिससे आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। साथ में सेवेंथ फोटो एडिटिंग आपको ध्यान रखना, क्योंकि हर फोटो वेबसाइट में लगाने लायक नहीं होती। कुछ फोटो के पिक्सल्स बहुत कमजोर रहते हैं, कुछ फोटो बहुत ज्यादा ब्लर कर जाते हैं, कुछ फोटो में लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ में लाइटिंग कम होती है। तो ऐसे कोई भी फोटो अगर आपको मिले जिसमें एलिमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो आप उसको एडिट करके डालें, ना कि उसे डायरेक्ट डालें। तो आपको ध्यान रखना है कि फोटो जब तक अच्छी ना दिखे तब तक आप डालिए मत, उसमें चेंजेस करें। और इस काम के लिए फोटोशॉप का यूज होता है एडिटिंग के लिए। एक पेशेंस वेबसाइट डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको पेशेंस करना पड़ता है। किसके साथ पेशेंस से साथ काम करना, आपको सीधे उससे कंपनी उस पर्सन जिसके लिए वेबसाइट बना रहा है उसके साथ बहुत पेशेंस में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वेबसाइट उनके हिसाब से ठीक ना हो तब तक लगातार आपको क्या करना होंगे चेंजेस करने होंगे। तो पेशेंस को ना तोड़े, बहुत धैर्य के साथ काम करे। 8-10 बार एडिट करने के बाद 11वीं बार आपकी वेबसाइट सही बन जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। कॉम्प्रोमाइज नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। किससे कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, उस पर्सन से जिसके लिए वेबसाइट बना रहे, आपकी नहीं चलती चलती उसकी, जो बंदा वेबसाइट बनवा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे तरीके से उससे कॉम्प्रोमाइज करें, वो जैसा बोल रहा है वैसा करें, अपने हिसाब से ज्यादा कुछ ना करें, लेकिन जो भी कुछ करे बेस्ट करे कि उसका एक्सपीरियंस बहुत आपसे बेटर हो। 10th सेल्फ अवेयरनेस, डिजाइनर को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसको अपनी गलती का आवाज पहले होता है। कई बार आप डिजाइनिंग बहुत अजीब टाइप की कर देते हैं, आपकी वो डिजाइनिंग जो है उसमें सामने वाले पर्सन जो वेबसाइट बना रहा है वो आपको क्या करता है, कई बार रोकता है या आपको कुछ बोलता है, या आपका सीनियर प्रोग्रामर जो रहते हैं वो कई बार आपको क्या करते हैं भाई गाइड करते हैं कि भाई गड़बड़ थोड़ी डिजाइनिंग हुई है थोड़ा ठीक कर दो। तो आपको ये ध्यान रखना की अवेयरनेस आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतर रखना है, अपनी गलतियों से जल्दी सीखे जिससे अगली बार जो वेबसाइट आप बना उसमें आपसे गलतियां ना हो, डिजाइनिंग आपकी बहुत अच्छी बने। डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। 11 पॉइंट आप सबको ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आईटी इंडस्ट्री जो है वो डिसिप्लिन इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो 8 घंटा जो एम्प्लॉय देता है काम करने के लिए वो फुली डिसिप्लिन के साथ क्या करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन के साथ काम करे, दिमाग को पूरा एकाग्रता के साथ काम करे, जब तक रिजल्ट प्रॉपर ना मिले तब तक वेबसाइट में आपको काम करना पड़ेगा। 12th कम्युनिकेशन में थोड़ा सा काम करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा कई बार आपसे कम्युनिकेट करेंगे पार्टीज, कई बार आपको पार्टी से कम्युनिकेट करना है। किसी भी दौरान ये ना लगे कि आप नाराजगी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप इरिटेट होकर पार्टी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप बोलना कुछ चाहते हो निकल कुछ और रहा है, तो पार्टीज के साथ बहुत अच्छे से हमें बिहेव करना पड़ता है।
तो कम्युनिकेशन में कोई बिखराव ना दिखे, ये डिजाइनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। और 13th पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स तो सामने वाली पार्टी देगी जो वेबसाइट आपसे बनवा रही है, तो अटेंशन आपके पास होना चाहिए ये सुनने के लिए कि क्या सामने वाली पार्टी बोल रही है। पूरा ध्यान से उनकी एक एक बातों को सुनना है, कहा क्या लगाना है, कहा क्या नहीं करना है, कहा कौन सा कलर्स को कह रहे हैं, कहा पे कौन सा एलिमेंट आपको चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, वो पूरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अटेंशन से अगर आप बात को सुनेंगे तो वेबसाइट में बहुत जल्दी आप डिजाइन करके निकल जाएंगे। तो ये 13 ऐसे नॉन टेक पॉइंट से जो डिजाइनर्स को बहुत जरूरी होते हैं, जो वेबसाइट डिजाइनर्स को हमेशा पढ़ने चाहिए।